सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 22177 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइमिंग क्या है, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव देती है और किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगने वाला है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस ट्रेन की डिटेल्स की हम बात करें तो ये ट्रेन 22177 महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन सप्ताह में पूरे दिन चलाई जाती है। आप जिस दिन चाहें इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रात को 12:10 पे रवाना होती है और ये ट्रेन 3:35 पे अगले दिन सुबह सुबह आपको बनारस पहुँचाती है वाराणसी जंक्शन। दोस्तों ये ट्रेन 1515 किलोमीटर की दूरी 27:25 तय करती है और इस ट्रेन की अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन 56 से 57 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। इस ट्रेन में दोस्तों कोच की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 सीटिंग 3 पर 3 टीयर और 2 टीयर की सुविधा मिल जाएगी, आप इन कोचेस में टिकट ले सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में अगर कोटा की बात की जाए तो सभी प्रकार के कोटा उपलब्ध हैं, आप जनरल, सीनियर सिटीजन, लेडीज, दिव्यांग, इन सभी कोटा के तहत टिकट ले सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेन में अगर हम किराए की बात करें तो अगर आप मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से टिकट लेते हैं बनारस तक के लिए 2 सीटिंग में तो आपको पड़ने वाला है 395 रुपये, स्लीपर में 655 रुपये और 3 टीयर में 1715 रुपये का किराया लगेगा। वहीं 2 टीयर में बात की जाए दोस्तों तो 2465 रुपये का किराया आपको 2 टीयर में देना होगा। दोस्तों इस ट्रेन के जो टोटल 28 स्टॉप दिए गए हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में बताऊंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। तो दोस्तों महानगरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रात को 12:10 पर रवाना होती है और इसके बाद इस ट्रेन का 2 नंबर स्टॉप आता है दादर। यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है 12:22 और यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है, पहुँचती है थाने और गाड़ी की टाइमिंग होती है 12:47 और यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है, इसके बाद पहुँचती है 4 नंबर स्टॉप पे कल्याण जंक्शन। कल्याण में ट्रेन की टाइमिंग होती है रात को 12:01 और दोस्तों ये 4 स्टेशनों के बीच में ट्रेन पूरी तरह से भर जाती है, यानी जितने भी यात्री टिकट लिए होते हैं इस ट्रेन में सवार हो जाते हैं और इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है नासिक रोड जो कि इस ट्रेन का 5वां नंबर स्टॉप होता है और 3:45 को ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है, 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और 188 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय करती है नासिक रोड तक। इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है मनमाड़ और मनमाड़ के बाद ये ट्रेन पहुंचती है 40 गांव, पचोरा, जलगांव, भुसावल जंक्शन। भुसावल जंक्शन में गाड़ी की टाइमिंग होती है 7:20, गाड़ी यहां पे 5 मिनट ठहराव लेती है और 455 किलोमीटर की दूरी यहां तक ये ट्रेन तय करती है। तो दोस्तों यहां पे हमने जितने भी छोटे स्टॉप हैं इनकी टाइम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे यात्री उतरते नहीं हैं और ना ही चढ़ते हैं, ट्रेन का लोकल लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी। इटारसी में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 12:15 और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट ठहराव लेती है, 752 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय की रहती है। इटारसी के बाद ट्रेन पहुंचती है पिपरिया, नरसिंहपुर, श्रीधाम, मदन महल, जबलपुर। जबलपुर इस ट्रेन का 18 नंबर स्टॉप आता है और ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है, गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 3:50 और यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट ठहराव लेती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है कटनी, कटनी में गाड़ी की टाइमिंग होती है 5:05, ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। अगला स्टेशन आता है इस ट्रेन का मैहर, सतना, मानिकपुर और दोस्तों सतना लास्ट स्टॉप होता है मध्य प्रदेश में, गाड़ी की टाइमिंग होती है सतना में 6:35, यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है और 1186 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक तय की रहती है। यहाँ के बाद ये ट्रेन पहुँचती है मानिकपुर जो कि उत्तर प्रदेश में और ट्रेन यहाँ पे रात को 8:45 पर पहुँचती है, 5 मिनट ठहराव लेती है और 1263 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय की रहती है। कहा जाए तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक जाने तक
1263 किलोमीटर की दूरी लगती है। इसके बाद इस ट्रेन का स्टॉप आता है प्रयागराज चिंकी। गाड़ी यहाँ पे रात को 10:35 पर पहुँचती है, 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर इसके बाद रवाना होती है, पहुँचती है विंध्याचल। गाड़ी की टाइमिंग होती है 11:50 रात को और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना होती है। ट्रेन का 25 नंबर स्टॉप आता है दोस्तों मिर्ज़ापुर और गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है रात को 12:30 और फाइनली इस ट्रेन को यहाँ पे दूसरा दिन स्टार्ट होता है क्योंकि इस ट्रेन को यहाँ पे 24 घंटा पूरा होता है। ट्रेन 24 घंटे में 1436 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है चुनार और गाड़ी 1:30 को चुनार में पहुँचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है 27 नंबर काशी और काशी में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है रात को 3:11, यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है, 1510 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक तय की रहती है। तो दोस्तों जब ये ट्रेन काशी से रवाना होती है तो यात्री उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि फाइनली इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप होने वाला आता है वाराणसी जंक्शन और ट्रेन 3:35 पे ये ट्रेन आपको वाराणसी जंक्शन पहुंचाती है। गाड़ी 1515 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 27 घंटा 25 मिनट में तय की रहती है। सो दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 22177 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। फिर मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।